हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टॉक राइडर। सो फ्रेंड्स, स्टॉक एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत है। और स्टॉक के एनालिसिस से पहले, जैसा कि आपने थंबनेल देखा है, बर्जर पेंट बहुत ज़्यादा गिर रहा है। बर्जर पेंट के साथ साथ में एशियन पेंट, ये एक न्यूज़ है, विसिल ब्लोअर एलिग्स रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन बाई एशियन प्रोमोटर्स। सो अभी एशियन पेंट से भी दूर रहना, विसिल ब्लोअर बच चुका है तो अभी स्टॉक और नीचे जाएगा। हालांकि इसकी एनालिसिस नहीं है इस वीडियो में, बट अभी सिर्फ ये बता रहा हूँ कि इस स्टॉक से भी दूर रहना। तो स्टॉक की एनालिसिस करते हैं। स्टॉक का नाम है बर्जर पेंट्स लिमिटेड। स्टॉक का 52 वीक का ही है 872, 52 वीक का लो है 588। क्वांटिटी लास्ट ट्रेडिंग सेशन में ट्रेड हुई है 11,02,036। डिलीवरी क्वांटिटी 4,40,783। परसेंटेज ऑफ डिलीवरी 40.0। ये एक न्यूज है, कुछ दिन पहले पोस्ट हुई है। बर्जर पेंट Q2 पैट में डिप 0.2% YOY टू 220.4 करोड़। KR चौकसी। तो अलग अलग ब्रोकरेज हाउसेज हैं, सबकी अलग अलग अपनी ओपिनियन है। कोई बोल रहा है पैट गिर जाएगा, कोई बोल रहा है YOY नीचे आएगा, कोई बोल रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर नीचे जाएगा। तो ये न्यूज़ आप जाके पढ़ सकते हैं moneycultron.com पे। बाकी आप अपनी एनालिसिस भी देखिए। दूसरी न्यूज़ ये थी, 21 अक्टूबर को बर्जर पेंट 749.80 सेल। तो कुछ लोग इसको सेल भी दे रहे थे कि सेल करे जाओ, तो एक वीक में 10% के आसपास में गिर भी चुका है स्टॉक। तो इस कंपनी की मार्केट कैप है 71,531 करोड़ की, डेट है 634 करोड़ का, प्लेज परसेंटेज 0। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करेंगे, लास्ट 3 क्वार्टर में प्रमोटर्स की 74.98 से 74.99 बढ़ी है। FIIs की 11.24 से 11.22 नॉमिनल कम हुई है। DIIs की 4.02 से 3.91 यहाँ भी कम हो गई है। पब्लिक यानी रिटेलर्स की 9.75 से 9.88 बढ़ी है। ओवरऑल प्रमोटर्स और रिटेलर्स दोनों बुलिश हैं। FII और DII की जो होल्डिंग है वो कम हुई है। ये है इस स्टॉक का वनडे का चार्ट। वनडे के चार्ट में RSI है 23। ये है वन वीक का चार्ट। वन वीक के चार्ट में RSI है 40। और ये है वन आर का चार्ट। वन आर के चार्ट में RSI है 21। ओवरऑल वनडे और वन आर के चार्ट में RSI ओवरसोल्ड जोन में जा चुकी है। वीकली चार्ट में RSI अभी स्टेबल है, लेकिन जा रही है नीचे ही। और ये स्टॉक लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 736.45 पे बंद हुआ है। तो अभी इस स्टॉक में क्या कर सकते हैं, जो लोग ऊपर के लेवल पे इन्वेस्टेड हैं वो अभी इस स्टॉक को एक्यूमुलेट मत कीजिए। स्टॉक अभी और नीचे जा सकता है। वीकली चार्ट देखिए कितना बड़ा इसने फॉल लगाया है एक वीक के अंदर। फुली रेड कैंडल है और ये स्टॉक एम पैटर्न बनाते हुए नीचे आ रहा है। तो ये स्टॉक कितना नीचे आ सकता है, यहाँ पे एक स्विंग है जो 690 के आसपास में है। वन डे के चार्ट में देखोगे ये स्विंग इसने ब्रेक किया है यहाँ पे, तो हो सकता है ये नीचे का जो स्विंग है 690 के आसपास का, यहाँ तक भी ये स्टॉक वापस चला जाए। लेकिन जो लोग इस स्टॉक में फ्रेश एंट्री देख रहे हैं, हो सकता है ये स्टॉक मंडे के ट्रेडिंग सेशन में एक ऊपर की तरफ जंप ले, उसके बाद से फिर नीचे आए। तो अभी फ्रेश एंट्री वाले यहाँ पे हाफ क्वांटिटी बाय कर सकते हैं 736 के लेवल पे। अगर नीचे 690 जाता है उसके बाद हाफ बाकी क्वांटिटी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो आपका एक एवरेज बन जाएगा 713 के आसपास में, जो एक अच्छा लेवल होगा आपके लिए। तो इसी स्टॉक में ऊपर के टारगेट्स होंगे 762, 785 और 802। ये इसके ऊपर के टारगेट्स हैं जो शॉर्ट टर्म टारगेट्स हैं। अब इन लेवल के अकॉर्डिंग जो मैं नीचे के सपोर्ट बताए हैं, इनके अकॉर्डिंग जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं वो यहाँ पर डिसीजन ले सकते हैं, अपनी क्वांटिटीज़ को और ऐड करके अपनी प्राइस को एक्यूमुलेट कर सकते हैं, एवरेज कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये थी इसी स्टॉक की बेस्ट एनालिसिस। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोई क्वेरी क्वेश्चन है वीडियो के कमेंट बॉक्स में पोस्ट कीजिए, जल्द से जल्द रिप्लाई कर दूंगा। और मेरा टेलीग्राम चैनल है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय फॉर नाउ।